राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर में हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 24 घंटे में अपराधी को हिरासत में ले लिया है। अपराधी आकाश वाल्मीकि चोरी करने की फिराक से प्रेम नारायण अग्रवाल के घर में दाखिल हुआ था। इसका विरोध करने पर घर में अकेले मौजूद बुजुर्ग का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद बैग लेकर फरार हो गया। पास से लूट का सारा सामान और नकदी भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अपराधी के विरुद्ध हमेशा सजगता से उत्तरी पुलिस सजग रहती है, जिसको देखते हुए गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चोरी का मामला आया था, लेकिन न जाने क्या वो मर्डर केस में बदल गया है। आइए आज हमारे साथ उत्तरी जोन से डीसीपी अभिजीत आर शंकर मौजूद है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला था और क्या कुछ पकड़ा गया अभी इसमें। कल लगभग 5:30 बजे के आसपास थाना गाजीपुर को सूचना मिला है कि घर के अंदर अकेले रहते हुए पी अग्रवाल जी का हत्या हुआ था, तो तुरंत ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचे और आज 24 घंटे के अंदर ही लगभग दोपहर का 2:40 पर अभियुक्त, जिसको सीसीटीवी में हम लोग ट्रैक कर रहा था, उसी कपड़ा पहन के लवकुश नगर कब्रिस्तान के बगल से हम लोग गिरफ्तार किया गया है। इंट्रोगेशन पे उनके द्वारा घटना करना कबूल लिया है। घटनाक्रम ऐसे बताया कि वो चोरी के नियत से एक मकान के अंदर घुसा था, जिस समय पी एन अग्रवाल जी ने उसको रोका और पूछा क्या कर रहा है, तो उसमें से ही थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया था, जिसमें से उनका बनियान से उनका पी एन अग्रवाल जी का खुद का बनियान से उनका गला पे लगा के स्ट्रैंगुलेट किया और थ्रॉटलिंग किया उनको, जिस कारण से उनका मौत हो गया। इसके बाद उन्होंने अलमारी में रखा हुआ जेवर पैसा वगैरह ले लिया था, जो हमने इनका मौजूदगी में इनका ही अभियुक्त घर से उनका वॉशिंग मशीन के अंदर से हम लोग बरामद किया गया है। लगभग 1,86,186 रुपीस बरामद किया गया है। साथ लगभग 2 लाख के आसपास मूल्य होने वाला ज्वेलरी भी बरामद किया है। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ डीसीपी उत्तरी मौजूद थे, उन्होंने एकदम साफ स्पष्ट कर दिया है कि गाजीपुर थाने क्षेत्र में जो हुआ मामला है उसमें अभियुक्त की पकड़ी हो चुकी है और उसको ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको जेल भी भेजने का प्रावधान हो चुका है। मैं आलोक सिंह, TV24 लखनऊ।